रेणुका का पुत्र मैं विष्णु का अवतार हूँ। 21 बार धरा छत्र विहीन करने वाला मैं परशुराम हूँ। तो का घमंड में हाँ मैं परशुराम हूँ। नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक विशेष रथ यात्रा निकल रही है भगवान परशुराम जी के नाम की। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा अमृत कुंड बन रहा है, तो अमृत रथ यात्रा शुरू हुई है हर्षित दधीची आश्रम कलेक्ट्रेट परिसर से स्वस्ती गेट चालुर गेट होती हुई पहुँच रही है गौतम सभा भवन। चलते रथ यात्रा के अंदर।
आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, ये जो रथ निकला अभी परशुराम जी भगवान का, कहाँ से आ रहा है? ये अरुणाचल प्रदेश से। अच्छा, क्या यात्रा का क्या नाम है, रथ का क्या नाम है? अमृत रथ। अमृत एक यात्रा, थैंक यू। तो कहाँ पे जाके एंड होगा अब? ये गौतम भवन। गौतम भवन चौपासनी। थैंक यू वेरी मच सर। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉक पर स्वागत है आपका। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया। उसने हमको युद्ध दिया। आज बंदा है कफन शीश पर, आज बंदा है कफन शीश पर, जिसको आना आ जाओ, जिसको आना आ जाओ। आज बंदा है कफन शीश पर, जिसको आना आ जाओ। जाओ म्याओ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ। जाओ म्याओ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ। रही है उठो मोहनिंद्रा त्यागो। पहला शीस चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। पहला शीस चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देश भक्त की ध्वजा जगे। रण के कंकर पहने हैं वो राष्ट्र भक्त की भुजा जगे। वो राष्ट्र भक्त की भुजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो। अग्निपथ के पंथी जागो। शीश हथेली पर धर कर। शीश हथेली पर धर कर। अग्निपथ के पंथी जागो। शीश हथेली पर धर कर। जागो रक्त के भक्त लाडलो। जागो सर के सौदागर। जागो रक्त के भक्त लाडलो। जागो सर के सौदागर। Okay.
जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय। वंदे वंदे मातरम वंदे, वंदे वंदे मातरम वंदे, वंदे वंदे मातरम वंदे, वंदे वंदे मातरम वंदे। हे भारत के राम, जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे, चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बरबर भगवान परशुराम जी की अमर रथ यात्रा पहुंचने वाली है जूनागढ़ माता बालाजी मंदिर, और देखिए माताएं बहने पुष्प वर्षा के लिए तैयार खड़ी हैं। आपका शुभ नाम सर? बजरंग स्वामी। तो रथ यात्रा में शामिल नहीं थे क्या? शामिल थे हम आगे। अच्छा अच्छा, शामिल थे। आपका नाम? गायत्री उपाध्याय। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी स्थापना हो रही है मूर्ति की, तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसी स्थापना, ऐसी मूर्ति हर सिटी के अंदर हो, हर जगह हो सर। ये मूर्ति कहाँ पे स्थापना हो रही है? अरुणाचल के प्रदेश में हो रही है, कौन सी की मूर्ति स्थापित हो रही है। और सभी जगह ये रथ जाके आया, आज जोधपुर में यहाँ पे 3 बजे पहुँचा है। सभी उत्साहित है, जोधपुर वासी जितने भी ब्राह्मण मित्र बंधु है सभी उत्साहित होकर इस रैली में भाग ले रहे हैं, और हम लोग स्वागत के लिए उनके उत्साहित हो रहे हैं यहाँ। थैंक यू वेरी मच। जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम जी की जय। YouTube पे आ रहा है। Oh,
आते थे। जय परशुराम जी महाराज की जय। सबसे बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। जय बोलो परशुराम जी महाराज की जय। जय बोले परशुराम जी महाराज की जय। जय बोले परशुराम जी महाराज की जय। जय बोले परशुराम जी महाराज की जय। जय परशुराम जय। जय परशुराम जय। परशुराम जय। जय परशुराम। आओ अंदर एक ग्रुप। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। जय परशुराम। जय परशुराम। भाई साहब आपकी आपका शुभ नाम? नवीन जोशी। नवीन जी जोशी, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉक में स्वागत है आपका। हे माता, मैंने गणना की, आपने 21 बार अपनी छाती को पीट कर विलाप किया। 21 बार मैं आपको अपने पिता के पार्थिव शरीर पर यह वचन देता हूं माता, कि मैं इन क्षत्रियों का 21 बार वध करूंगा, 21 बार उनके वंश को मैं नष्ट करूंगा। हे माता, मैं इस धरती को उन कायरों के रक्त का सरोवर बना दूंगा। आपकी सौगंध माता, आपकी सौगंध। जंबो। शंभो। अरविंद जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय सदस्य, आप महाराज को माला पहना कर उनके स्वागत करें। राजे जी श्रीपाली अस्थिमल जी आपका स्वागत। मुकुल जी गिर कन्हैला जी सौभाग्य विप्र फाउंडेशन को मिला। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और आदरणीय सुशील जी ओझा की का मार्गदर्शन इसके अंदर बहुत हम सभी के लिए सौभाग्यशाली रहा है। उसी योजना के अंतर्गत काची काम कोटी से ये यात्रा का आरंभ हुआ, जो आज 31वें दिन जोधपुर संभाग में पहुंची है और आप सभी ने इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आप सभी का सहयोग किया, इसके लिए हम सभी हृदय से आप सभी के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। जय जय परशुराम। उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा कि आज
के इस कार्यक्रम में हम आपका सम्मान करना चाहेंगे। विनय जी बोर्ड उपस्थित है, गौरव जी इससे निवेदन है। जैसा कि आप निश्चित तौर से कार्यक्रम होगा उसके सहयोग के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। आप गोरखपुर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, आप सभी से भी निवेदन है सहयोग करेंगे। इससे पूर्व भी कई घोषणाएं हो चुकी है, आज हमारे बीच में आदरणीय अस्थिमन जी साधु साहब उपस्थित है। उन्होंने जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उस दिन उन्होंने 1,00,000 रुपए की घोषणा की थी। आज उसी शुभ अवसर है कि वो आज उस 1,00,000 रुपए का चेक हमारे प्रदेश प्रभारी नवीन जी जोशी साहब को सौंपेंगे। मैं निवेदन करूंगा इसी प्रकार इससे पूर्व भी हमारे स्वामी जी रामनारायण जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहे थे। यात्रा के बारे में मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी रामनारायण दास जी महाराज, आपकी शिक्षा MBBS दो विषयों में PhD मेडिसिन में MD इसके बाद यही है और उसके बाद में आप लंबे समय से तपोवन में तपस्या कर रहे थे, लेकिन भगवान परशुराम की कृपा हुई, उनका आदेश हुआ और पवित्र फाउंडेशन के माध्यम से संपूर्ण भारत में भगवान परशुराम की रथ यात्रा के माध्यम से इस आध्यात्मिक चेतना का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम सबको सानिध्य दे रहे हैं। मेरे साथी इस प्रदेश के संयोजक कपिल जोतिया जी, जो प्रदेश के संयोजक है, मैं विप्र फाउंडेशन के बारे में एक साधारण अपने बारे में बात करूं कि मैं 2015 में मेरे बड़े भाई साथी मित्र जिनका सानिध्य मुझे रहा रवि शर्मा जी, उनकी प्रदेश इकाई में प्रदेश उपाध्यक्ष था और विप्र फाउंडेशन से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि ये जो परशुराम भगवान की जो यात्रा हो रही है उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो किसी न किसी माध्यम से इस यात्रा में अपना योगदान दे रहा है, यह हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान राम का मंदिर बना जो इतिहास के उस पन्ने पर दर्ज हुआ जो भारतीय कालखंड का सबसे स्वर्णिम इतिहास रहा, और बड़े सौभाग्य की बात रही कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के त्वरित बाद में भगवान परशुराम का फिर स्थल बनने जा रहा है, यह सबके लिए सौभाग्य की बात है। यात्रा के बारे में लगभग जो बातें हैं वो आप सब लोगों ने इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया के जरिए देखी होगी पढ़ी होगी कि अरुणाचल प्रदेश में जो परशुराम कुंड पर जो भगवान परशुराम की कांस्य की मूर्ति बनने जा रही है वो कांचीपुरम से प्रारंभ होकर के आज मारवाड़ की भूमि मनवाड़ की भूमि पर पधारी है। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत धन्य हूँ कि मनवाड़ की भूमि पर जो यात्रा जिस स्थान से प्रारंभ हुई वहां से राजस्थान की संस्कृति जो हमारी पार हम सबके माथे पर थी वो हम सबकी शोभा बढ़ा रही है। लेकिन हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है कि दक्षिण भारत के उन सुदूर इलाकों में जहां पर इस बात की कल्पना भी नहीं की जा रही थी कि शायद ये यात्रा किस तरह से चलेगी, वहां पर बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। उन उत्सव में लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, वो जो आनंद का पल था वो मुझ जैसे नौजवान के लिए, युवा के लिए, जो ब्राह्मण समाज में अक्सर हम बात सुनते हैं कि ब्राह्मण भारत, मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन जो उत्साह देगा, जो आनंद देगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो बुजुर्ग जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं बुजुर्ग भी नहीं कहूंगा कि बुजुर्ग नहीं होता आदमी मन से जीवन भर नहीं होता, जो आप लोग जो सीनियर्स हैं आप लोगों का जो उत्साह है वो उन्होंने हमें फीका कर दिया, ये लाजवाब। मैं राजस्थान में 29 नवंबर बांसवाड़ा में जब इस यात्रा को प्रारंभ हुआ राजस्थान की धरती पर आई तो मुझे भी इस बात की चिंता हुई, मुझे भी ऐसा लगा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ जो एक ऐसे क्षेत्र है जहां पर हम सब ने आदिवासी क्षेत्र देखा है वहां पर कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन बांसवाड़ा जब यात्रा शुरू हुई तो जो उत्साह था, जो सड़क पर जो रैली चली, जो यात्रा का शुभारंभ हुआ वो बड़ा अद्भुत था। मैंने पिछली बार भी पाली की सभा में कहा कि ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम सब अध्यात्म के प्रेरित लोग हैं, हम हमारे मंदिर में हमारा पुजारी हमारे जाति की या हमारे किसी व्यक्ति की जय नहीं लगाता है, वो कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो।
तो हमारी जो मूल चेतना है, मैंने एक व्यक्ति के साथ, मैं व्यक्ति नहीं कहूंगा, मैंने एक राजनीति के विश्वविद्यालय के साथ काम करने का अवसर पाया। नाम लेकर के मैं इस कार्यक्रम को नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ग है, और वो जो भी वर्ग होता है वो विचार को पैदा करता है। ये जो परशुराम जी की जो यात्रा पूरी हुई, मैं आदरणीय सुशील जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ इस जोधपुर की धरती से, क्योंकि आपने एक विचार को पैदा किया। करने को तो हम कुछ भी कर सकते थे, करने को तो हम रैली, धरना, प्रदर्शन, ये दो हमें वो दो, ये तमाम तरह की बातें कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने हमारे आराध्य देव को भारत के अंदर इस बात के लिए लोगों को प्रेरित किया कि हम उनको भी अपने तक सीमित रख कर नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम, उनके प्रति हर वर्ग के मन में श्रद्धा हो, क्योंकि उनको केवल गुस्से और क्रोध का प्रतीक मानना नहीं है। परशुराम भगवान अध्यात्म के प्रेरणा है, परशुराम भगवान बुद्धि के प्रेरणा है। उन्होंने कृषि के अंदर अनुसंधान किया, उन्होंने कृषि के अंदर भारत को एक नई दिशा बताई। तो ये तमाम चीजें लेकर के जो आदरणीय सुशील जी ओझा ने इस पुण्य काम को शुरू किया, और उसके लिए आप तमाम बड़े लोग जिन्होंने पता नहीं इस विप्र महाकुंभ को बनाने में अपनी जीवन की श्रेष्ठ अपना अमूल्य समय दिया होगा। मैं तो एक बहुत साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग हैं उनकी वजह से ये धरोहरें जीवित है। जहाँ आप खड़े हैं वो भी हमारे समाज की, हमारे ब्राह्मण समाज की धरोहर है। ये धरोहरें हम जैसे कार्यकर्ता हूँ, इसके लिए हम पता नहीं कितने ऐसे हमारे वरिष्ठ लोग होंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन तपाया। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय नवीन जी जोशी जो इस जॉन इस हमारे विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव है, आपका भी इस पूरे कार्यक्रम में समर्पण रहा। मैं नाम नहीं जानता, इसलिए माफी चाहता हूँ। मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी से मेरा परिचय हुआ अभी, बहुत सारे लोग, आप सब लोगों को प्रणाम, आप सब लोगों को कोटि कोटि वंदन। शैक्षणिक स्तर में इस तरह से उन्होंने उपलब्धि हासिल की और आज हमारे बीच में उपस्थित है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में पुष्करणा समाज से श्रीमती मंजू जी थानी साहब थानी जी उपस्थित है, उन्हें आप मिले चावल देकर इस यात्रा का जो चावल अब मैं रामनारायण जी स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वे हम सभी का मार्गदर्शन और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी आवाज थोड़ी कम है, सभी विद्वान हैं, सभी वरिष्ठ हैं, मार्गदर्शन के योग्य कार्यक्रम उत्सव जैसे तो सामान्य रूप से आए दिन हम एक न एक कार्यक्रम में जाते हैं, किंतु उन कार्यक्रमों की अनुभूति बहुत कम हो पाती है। अपने आप को पहचानना सबसे बड़ी जरूरत है। हम ब्राह्मण हैं, केवल एक उपनाम लगाने मात्र से हम नहीं होंगे, ये भ्रम है। और जब तक वो नहीं मिटेगा वरिष्ठों का, कार्यकर्ताओं का, कार्य करने वालों का, तो इस तरह के हजारों कार्यक्रम हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। ये उत्सव है, एक उत्सव, दो उत्सव, तीन के उत्सव चल रहे हैं, कुछ हासिल नहीं। विषय बहुत लंबा है, भगवान का विषय है, हम हमारे भगवान को भूल जाते हैं, हमारे पूरी जिंदगी के लिए प्राणी के लिए कई बिलियन के लिए यही पता है कि भगवान प्राप्ति है क्या चल रहा है। विषय बहुत लंबा है, अलग समय मिलेगा इन सब विषयों पर चर्चा करने का, लेकिन एकमात्र निवेदन
ये जो मान नाम लगाए हमने आगे वो क्यों लगाए और उसके लगने पर हमारा क्या कर्तव्य है इसको जाने यही मेरा निवेदन है। उसको जानने के लिए थोड़ा तप करना पड़ेगा, संतों के साथ बैठना पड़ेगा और उन सब चीज़ की अनुभूतियाँ लेना पड़ेगी, अन्यथा इस जीवन का कोई मूल्य नहीं, चाहे कितनी योग्यता हो जाए, धन हो जाए, काम कर ले। You are not going to have any value here. सब इल्यूजनरी है और उस इल्यूजन से बाहर आना है। भगवान ने इतने अच्छे वर्ण में जीव हैं वर्ग में जन्म दिया है, उसकी सार्थकता की पहचान नहीं होगी बड़ा दुख होगा। सांप सीढ़ी के खेल में सांप सीढ़ी का खेल नहीं है वो हमारा जीवन है। 98-97 पे आकर हम 99 वाले जो एक चीज रखी वहां वहां से सीधे दो नंबर पे जाएंगे और अधिकतम लोगों की मेरी सभी की स्थिति है कि 99 वाले उससे सीधे दो पर आने वाले। मेरा तो केवल यही निवेदन है भगवान जी सभी के लिए 97-98 पर है 99 वाले को क्रॉस कर जाए स्वामी जी का बहुत आभार। हमारे बीच में गौड़ समाज के युवा अध्यक्ष महेश सिंह गौड़ है, स्वामी जी के हाथ से मैं माला पहनाकर उनको पीले चावल का जो उनके लिए रंजन जी गांधी साहब उपस्थित है उनका बना है। सारस्वत ब्राह्मण समाज से श्रीमती गायत्री जी सारस्वत और श्रीमती मनीषा जी सारस्वत से निवेदन है कार्य समाज के लिए देश के लिए करने के लिए प्रेरित करता रहे यही काम। जय जय परशुराम। दोस्तों देखिए मेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, मैं 5 घंटे से यात्रा के साथ में चल रहा हूँ और महाराज जी का तो परिचय आपने सुना ना, मेरे तो धक धक हार्ट ऊपर नीचे हो गया। फिर भी दोस्तों बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा विप्रो फाउंडेशन का, लाइक शेयर सब्सक्राइब, दिलीप जोशी ऑल ऑफ द ब्लॉग्स, महाराज जी का आशीर्वाद दीजिए।